जय भीम सभी साथियों को। जो लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं या जो लोग अभी रास्ते में, देखिए प्रशासन ने बहुत बड़ा जो है खिलवाड़ किया है और अंत समय पे जो है वो परमिशन जो वहाँ की थी वो कैंसिल कर दी है और उन्होंने कहा कि आप रामलीला ग्राउंड में अपना प्रोग्राम कर लीजिए। और मैं इस साजिश से पहले से, ये साजिश मेरे संज्ञान में थी, तो मैं चाहता हूँ साथी सभी जुड़ जाएं क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी पैदा होगी, साथी सब लोग परेशान हैं और मुझे लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं कि भैया आप बताइए हम भी आर्मी से हैं, आपकी टीम से हैं, आप बताइए कि किधर आना है, कैसे आना है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे आप फटाफट जुड़ जाएंगे तो मैं अपनी बात रखूँगा। तब से पहले मैं आपको बता दूँ कि बड़ा ऐतिहासिक पल है और मैं भी कई जगह पर जो है जहाँ जहाँ हमारे लोग ठहरे मिल के आया, बहुत जोश है लोगों में, बहुत जोश खरोश के साथ लोग आए हैं और लोग इतने जोश के साथ आए उनका ये भी कहना है कि भाई साहब जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे और अपने अधिकारों के प्रति लड़ते रहेंगे। देखिए लाइव भी गाड़ी में चलते हुए आ रहा हूँ क्योंकि जल्दी से लोगों के पास पहुँचना है, लोग परेशान हैं, वो मिलना चाहते हैं क्योंकि भीम आर्मी की पूरे देश की टीम पहुँची है और ये बड़ा ऐसे कब बहुत कम मौके होते हैं कि हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो कल एक ऐसा मौका रहेगा और आज अभी एक ऐसा मौका है कि मैं सभी लोगों से मिल सकूं। जैसे कि मैं पंजाब की टीम से मिल गया कि मिल चुका हूं, मैं छत्तीसगढ़ की टीम से मिला हूं, मैं गुजरात की टीम से मिला हूं, बिहार की टीम मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं गुजरात की टीम से जो है मिल के आया हूं। उसके अलावा जो है यूपी के बहुत सारे जिलों की टीम आ चुकी है, मैं उनसे मिल के आया हूं। तो लगातार जो है सिलसिला बढ़ रहा है, दिल्ली की टीम साथ में है, दिल्ली की टीम लगातार काम कर रही है, ठीक है। हमारे जो गढ़ है भीम आर्मी का सहारनपुर, वहाँ से भी लोग चल दिए हैं, मुजफ्फरनगर मेरठ गाज़ियाबाद से लोग आ रहे हैं, तो बड़े पैमाने पे बागपत के लोग भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग चल पड़े हैं, ठीक है। तो लगातार जो है लोग चल के आ रहे हैं। तो फिर जब जो परेशानी खड़ी हो रही थी तो मैंने कहा सब लोगों को बता दिया जाए कि सब लोग को कहाँ पहुँचना है, कहाँ से हम लोग क्या करने वाले। देखिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़ चुके हैं, 700 लोग लगभग अभी हैं। तो आप इसे वायरल कर दें क्योंकि यही सोशल मीडिया हमारे पास ताकत है कि अगर प्रशासन कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा करता तो हम बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो आप जैसे जैसे फटाफट इसको शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों तक चल जाएगी, जो लोग रास्ते में हैं, जो लोग पहुँच चुके हैं, जो लोग कहीं ठहरे हुए हैं, जो लोग कभी बस में हैं, ट्रेन में हैं, अपनी पर्सनल गाड़ियों में हैं, तो उनको आसानी हो जाएगी तुरंत जो है पहुँचने के लिए कि वो आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अभी हम लोग जो हैं जो ठहरने की स्थिति बनी हुई है, तो हम सब लोगों को सुबह 8 बजे तक रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन पहुंचना है और वहीं से हमारे संत महापुरुष भी हमारे साथ रहेंगे, वहीं से चीज़ें तय होंगी कि क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस तरह जाना है, ये सब चीज़ें वहीं होगी। लेकिन पहला जो इकट्ठा होने का वो है, उसके लिए आप भ्रमित ना हो, कुछ साथी हम जंतर मंतर ना जाएं, कुछ साथी रामलीला भवन ना जाएं, कोई कहीं ना जाएं, सबसे पहले हमें इकट्ठा होना, इकट्ठा होने की एकमात्र जगह जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हमें 8 से 9 के बीच में, लास्ट 9 के बीच 9 तक हमको रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन, जैसे भीम आर्मी के प्रोग्राम में पहले आते तो वहीं रुकने की व्यवस्था की जाती थी, तो रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन जो है वो पहुंचना है पहली कड़ी में, सबसे पहले वहां पहुंचना जरूरी है और पहुंचकर जो है फिर वहीं से जो है आगे की रणनीति जो है तय की जाएगी, आगे का प्रोग्राम तय किया जाएगा, आगे का प्रोग्राम जो भी हमारे संत महापुरुष आदेश देंगे, क्योंकि एक सामूहिक सामाजिक प्रोग्राम है। बस ये है कि इसमें भीम आर्मी की बड़ी भागीदारी, क्योंकि भीम आर्मी पूरे देश की टीम आई है, जहाँ जहाँ पे भीम आर्मी काम करे, साथ ही सभी जुड़ जाएं जल्दी से, 1000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि इन्होंने हमें सोचा कि अधिकारों की लड़ाई ना लड़े, इधर उधर ध्यान दे, तो इन्होंने हमें ये डाटा दिया, नेटवर्क दिया कि हम लोग इस पर ध्यान दें, तो हम लोग इसमें लगे रहे फ़ोन में, लेकिन हमने इसका भी सही प्रयोग करके इसको भी हथियार बना लिया, ये बहुजनों की ताकत है। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि आज हम इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसलिए आप अगर इसको शेयर कर देंगे तो जल्दी ये मैसेज सारे देश में पहुंच जाएगा। जो लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, अपनी गाड़ी में हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, पैदल हैं, पहुंच चुके हैं, कहीं ठहरे हुए हैं, आप सब लोगों को
9 बजे लास्ट 9 बजे तक, प्रयास तो कीजिए आप 4 बजे चलिए, सुबह 5 बजे चलिए, 6 बजे चलिए, आपको पहुंचना है रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन। तो ये बिल्कुल आप गूगल पे आप मैप में डाल दीजिए रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन, रास्ता आ जाएगा। 1 किलोमीटर लगभग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्यों नहीं 1 किलोमीटर है, हाँ 1 किलोमीटर है, राजन बता रहे हैं 1 किलोमीटर है अंबेडकर भवन से दिल्ली रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर, ठीक है, झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के पास, बहुत आसान है, आप लोग पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से, वहीं हम लोग इकट्ठा होंगे, इसको शेयर करके सब लोगों तक पहुँचा दिए। कंट्रोवर्सी में ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमारे लोग परेशान हो रहे हैं कि भैया कहाँ पहुँचे, स्थान बदल दिया गया, सब चीज़ ये कुछ नहीं बदला है, सब चीज़ें सेम है, आप पहले वहाँ पहुँचिए और वहाँ सारी व्यवस्थाएँ हैं, वहीं से डायरेक्शन दी जाएगी, वहीं से हम लोग चलेंगे। भीम आर्मी की पूरी टीम जो आ रही है देश के प्रदेश किसी भी कोने से, जो ठहरी हुई है, हमारे पंजाब के प्रधान आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के प्रधान आ चुके हैं, गुजरात के आ चुके हैं, कर्नाटक के आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के आ चुके हैं, दिल्ली के यहीं हैं, तो उत्तराखंड के पहुँचने वाले हैं। तो आप सब लोग जो हैं अपनी टीम को तैयार कीजिए कल के लिए, आप रेस्ट कीजिए कल के लिए तैयार कीजिए, हमें अंबेडकर भवन पहुंचना है, वहीं हम लोग इकट्ठा होंगे, पूरे समाज के लोग आ रहे हैं। तो ये ज़रूरी है था कि कंट्रोल से खत्म, लगातार मुझे कहा जा रहा था कि भैया बता दीजिए कहां पहुंचना है। देखिए ये एक शरारत थी सरकार की, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास करेगी, जैसे ट्रेनें रोकी गई, जैसे बसें रोकी जा रही, मैं प्रशासन को भी ये सख्त लहजे में चेतावनी देना चाहता हूं कि जब आपने रामलीला ग्राउंड तय किया, सब चीज़ें तय की, तो जब हमारे लोग आ रहे हैं तो उनको रोका ना जाए, उनको परेशान ना किया जाए। जिस तरह भी पता लग रहा है पानीपत हाईवे जो है वो बंद किया गया है, तो मेरे परिवार के जो सब लोग हैं जो इसे देख रहे हैं, आप समझिए कि यहाँ पहुँचना है इस पूरे परिवार को, जो लोग नहीं आ रहे हैं वो वहीं से जो हैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए जोश भरने के लिए जो अच्छे अच्छे जो हैं मैसेज करें, अच्छी अच्छी पोस्ट करें। आप सब लोग जो हैं, मैं जानता हूं कि आप सब लोग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो सब लोग जो हैं परेशान हैं, और देखिए मेरे हिसाब से ये बड़ा क्रूशल समय है, सरकार अपनी अपनी एनर्जी लगा रही है हमें कमज़ोर करने के लिए, बांटने के लिए, हमें अपनी ताकत लगाने, एकजुट होने के लिए, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा सारे काम छोड़ के। मैं दोबारा से दोहरा दूं, नए साथी भी जुड़ रहे हैं, हमें सुबह 8 बजे से 9 बजे तक रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन पहुंचना है। आप लगातार शेयर करते रहेंगे तो इससे क्या होता है, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको पता लगता रहेगा, और आप इसको लाइव को शेयर करेंगे तो वो लोग भी सुन लेंगे, जो लोग अभी ट्रेन में हैं, बस में हैं, सड़क पे हैं, प्राइवेट गाड़ियों में हैं, टैक्सियों में हैं, पैदल आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, क्योंकि सरकार का खुद का आंकड़ा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग अभी दिल्ली पहुँच चुके हैं, ये सरकार का आंकड़ा, यही आंकड़ा देके उन्होंने अपना ये परमिशन जो है कैंसिल करने का प्रयास किया। मैं उनकी शरारत को जानता था कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि सरकार में घबराहट है, क्योंकि ये साहब काशीराम का नारा पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा था कि जब आप संसद में बहुमत में ना हो, जब संसद में आपकी भीड़ ज़्यादा ना हो, सड़क पर आपकी भीड़ हमेशा दिखनी चाहिए, तो आज वही हो रहा है, हम लोग सड़क पर आने के लिए तैयार हैं, सरकार की से जो है कुर्सियाँ हिली हुई हैं, जो राजनेता संसद के विधानसभाओं के अंदर बैठे हुए हैं वो घबरा रहे हैं, और ये क्रांति आनी चाहिए थी, यही क्रांति की इंतजार जो है पूरी दुनिया को, पूरे देश के बहुजनों की थी, कि जब, और खाली एक जाति के लोग नहीं आ रहे हैं, दलितों में भी एक जाति के लोग नहीं आ रहे हैं, भगवान वाल्मीकि महाराज के वंशज आ रहे हैं, गुरु नानक देव के वंशज आ रहे हैं, संत कबीर जी के वंशज आ रहे हैं, राजा मीर भोज के वंशज आ रहे हैं, हमारे जो हैं मुस्लिम भाई जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं वो सब लोग आ रहे हैं, तो हर वो व्यक्ति आ रहा है जो बहुजन है, जो कमजोरों की आवाज़ को इकट्ठा, आज किसने आंदोलन क्यों नहीं किया, जो लोग हिंदू होने का दम भरते हैं, जो दलितों को हिंदू बताते हैं, आज तो कह रहे हैं दलितों का मंदिर टूटा है, आज क्यों नहीं आ रहे वो सब लोग। तो सिर्फ यही था, वही लोग घर से बाहर निकले जिनको पीड़ है, जिनको तकलीफ है, और जिन्होंने आज ये साबित कर दिया दिल्ली में आके कि कल हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, और उस ऐतिहासिक क्षण को हम सब लोग उसके गवाह बनेंगे, और ये बहुत कम लोगों को ये दिन करीब से देखने को मिल पाता जब समाज एकजुट होता है, जब हमारी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। तो बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं लगातार, और बहुत सारे साथी जो हैं देख रहे हैं, इसको शेयर करते रहेंगे तो जल्दी सब लोगों तक मैसेज पहुँच जाएगा, और सब लोग जानते हैं कि
बीमार में जुड़े तो सब लोग जानते हैं कि जो मैंने कहा वो फिर वो होगा ही। तो मैंने कहा था कि जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ है आज, कुछ लोग कहेंगे कि बेवकूफ लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग इसे कहेंगे ये बेकार की लड़ाई, लेकिन जिस दिन ये लड़ाई शुरू होगी और ये अपने आयाम वाले दिन पहुंचेगी तो बहुत सारे लोग इसके पीछे खड़े होंगे, इसका समर्थन कर रहे होंगे। तो बड़ा आनंदित पल है कि संघर्ष है और पूरे देश में क्रांति, जिस क्रांति को हम लोग बहुत दिन से देखना चाहते हैं कि हमारे लोग जागरूक हों, वो हो रही है। और ये हमारी ताकत है, ये बहुजनों की ताकत है। इस ताकत का लोहा ही जो है सब लोग मानते हैं। और मैं बधाई देता हूँ सर्वप्रथम पंजाब के लोगों को, फिर बधाई देता हूँ मैं हरियाणा के लोगों को, फिर बधाई देता हूँ मैं राजस्थान के लोगों को, फिर बधाई देता हूँ मैं मध्य प्रदेश के लोगों को, फिर बधाई देता हूँ मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, फिर मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मेरे कहने के बावजूद, क्योंकि एक लीडर की ये सोच होती है किस तरह से लोगों में जोश भरा जाए, तो जो दिल्ली के लोग सोए हुए थे मैंने उनसे भी कहा कि तुम्हारे बस का नहीं, तो वो भी निकल के सड़क पे आए। तो ये भी देखिए, ये भी जो है गुण होना चाहिए एक लीडर्स में, लोगों को जगाने का। मैंने दिल्ली के लोगों को भी जगा दिया, मेरा प्रयास था कि मैं अगर उनको उनके उनको ठेस पहुँचाऊँगा तो वो एकदम से निकल के आएंगे। तो ऐसा ही है, ये मेरा काम है कि मैं उत्तराखंड के लोगों को भी जो है बधाई देता हूँ कि वो लोग भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैं बिहार के लोगों को भी, झारखंड के लोगों को भी, कलकत्ता के लोगों को भी, वो भी लोग आए हैं। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि जो ताकत बहुजनों की होनी चाहिए वो दिखाने के लिए आप दिल्ली आ रहे हैं। और सरकार हिली हुई है, जिस तरह का सरकार के हाव भाव दिखाई दे रहे हैं, सरकार डरी हुई है। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पंजाब के लोग आए हुए हैं, हरियाणा के लोग आए हुए हैं, वो जो नौजवान मिले वो सेल्फी और ये सब चीज़ें, तो मैंने उनसे कहा कि क्यों आए हो, कह रहे नहीं सतगुरु जी का अपमान किया, बर्दाश्त नहीं होगा। तो यही जोश मैं सब लोगों में देखना चाहता हूँ। हमारे बुजुर्ग भी आए हुए हैं, हमारी बहनें भी पहुँच रही हैं। तो बड़ा आनंदित पल है कि सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और यही हमारे बहुजन महापुरुष चाहते थे, बाबा साहब भी चाहते थे, संगठित बनो, संगठित। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।